चलिए गाइस, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की दूसरी अमेंडमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एग्जाम में सर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सर जितने भी नोट्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के अमेंडमेंट के या पूरे जीएसटी के, मैंने सर आपको उनको पहले ही बता दिया है। आप एडी 91 ऐप पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, राइट। बाकी जो अमेंडमेंट की वीडियोज़ हैं सर, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में लगा दी, वो भी आप देख सकते हैं। अभी सर बात करते हैं सेक्शन 17 की, और सेक्शन 17 में आई है सर भर भर के अमेंडमेंट। स्पेसिफिकली सर हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 की अमेंडमेंट्स, जिनको सर हम लोग बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट, राइट। सो ब्लॉक क्रेडिट में आपका जो क्लॉज है ए बी, इनके अंदर सर काफ़ी सारी जो है अमेंडमेंट्स आ गई हैं, और ए और बी को एक्चुअली हटा के इनको इनकी जगह सर कुछ और क्लॉजेज आए, जैसे कि ए आप देख पा रहे होंगे ए ए, और उसके बाद आए सर हमारे पास ए बी एंड फाइनली द बी, ओके। और उसके बाद सी डी ई एफ जी एच आई, इनमें सर कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो इनको एज इट इज रहने दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर क्लॉज ए की अमेंडमेंट की, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल एग्जाम में आएगा सर ये, तो बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। अच्छा, जिन बच्चों ने सर हमारी क्लासेस नवंबर 19 के लिए ली थी, मैं उनसे दो बातें बोलना चाहता हूँ। आपके कोर्स में सारी अमेंडमेंट्स कवर थी, एक्सेप्ट अमेंडमेंट वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, उसको छोड़ के बाकी सब आपके कोर्स में हमने अमेंडेड चीज़ें कवर ही कराई हैं, डोंट वरी। 1, 2, बाई चांस अगर सारी अमेंडमेंट्स आप एक साथ देखना चाहते हैं तो ये सब सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, उसके अलावा सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए अब शुरू करते हैं। तो क्लॉज ए की बात करते हैं हम सबसे पहले कि 17(5) ब्लॉक क्रेडिट क्लॉज ए में क्या रहा, क्या बोला, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड सिटिंग कैपेसिटी ऑफ नॉट मोर देन 13% एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। देखिए किसकी बात हो रही है, कह रहे ऐसे मोटर व्हीकल जिनकी सिटिंग कैपेसिटी है लेस देन इक्वल टू 13, हाँ जी, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी है लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, उन पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, उन पे भी मिल जाएगा अगर एबीसी कर रहे हो। बाकियों के बारे में सोचो, जिनकी सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है क्रेडिट अलाउड, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज नहीं होते क्रेडिट अलाउड। कॉन्क्लूजन इधर देखिए जरा, कॉन्क्लूजन मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सिटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13, चेक एबीसी अगर हैं तो क्रेडिट अलाउड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन सिटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13, क्रेडिट सिंपली स्पीकिंग अलाउड। अच्छा, अदर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को छोड़ के अदर्स क्रेडिट अलाउड, दैट्स इट, फिनिश। अब सिर्फ एबीसी समझना है सर। तो यहां पे देखिए 17(5) में नेगेटिवली चीजें लिखी हुई हैं और सर हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। नेगेटिवली क्या लिखा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो पर्सन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अगर उसमें सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इन 3 केसेस। इन 3 केसेस में यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हो रहा है, सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम या 13 जितनी भी है तो भी आपको सर क्रेडिट मिल जाएगा। इसका उल्टा सोचिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए मोटर व्हीकल है, क्रेडिट अलाउड, नो कंडीशन टू बी चेक्ड। 13 से ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी है, क्रेडिट अलाउड, नो कंडीशन टू बी चेक्ड। ओके, इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है और 13 से ज्यादा की सिटिंग कैपेसिटी है, क्रेडिट अलाउड। एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-3 और क्लैरिटी आएगी। ये देखिए जरा, मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ यहाँ पे एक नई शीट इंसर्ट करके। देखिए जरा, एक कंपनी है, कंपनी ने सर एक ट्रक खरीदा है, ट्रक कैसे बनाते हैं बाबू, ट्रक खरीदा है, राइट, ट्रक क्या ट्रांसपोर्टेशन पर्सन के लिए नहीं, बात खत्म, फिनिश, क्रेडिट अलाउड। कंपनी है, कंपनी ने गाड़ी खरीदी है, गाड़ी कैसे बनाते हैं, यही गाड़ी है मेरे, समझ लो, सिटिंग कैपेसिटी 4 और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, क्रेडिट नॉट अलाउड। क्यों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए और लेस देन इक्वल टू 13% जा रहा है, लेस देन 13% की सिटिंग कैपेसिटी है। ओके, कंपनी ने बस खरीदी है एम्प्लॉयज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 3 टायर वाली बस हमारी, कंपनी ने बस खरीदी है एम्प्लॉयज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एम्प्लॉयज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस खरीदी गई है, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, हाँ, सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है, हाँ, क्रेडिट अलाउड, बात ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पूछना सर दूसरा। मैं तो दूसरा ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है, जब ट्रक की बात आई थी अदर देन ट्रांसपोर्टेशन पर्सन क्रेडिट अलाउड, बात खत्म। आइए कंफ्यूज करते हैं, बैंक है, बैंक ने एक वैन खरीदी है कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैश को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, आंसर इज नो, आंसर इज नो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए वो नहीं है, तो भाई सिंपली स्पीकिंग क्रेडिट इज व्हाट अलाउड, क्रेडिट इज अलाउड। ये मत बोलना कि कैश तो गुड्स भी नहीं होता, सर हमने गुड्स की बात ही नहीं करी, हमने बोला कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है लेस देन 13 है क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेस देन 13 में 3 केस हैं क्रेडिट मिल जाएगा, बस फिर चुप हो गए। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर देन पर्सन है क्रेडिट अलाउड, चाहे वो कैश है चाहे वो कुछ भी है, और इसका मतलब सर अगर 13 से ज़्यादा सिटिंग कैपेसिटी है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के केस में क्रेडिट अलाउड। ओके, चार्ट के थ्रू हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं जल्दी से। सो मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन,
सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पर्सन पे ध्यान देते हैं. सिटिंग कैपेसिटी ग्रेटर देन 13 अलाउड, लेस देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, यूज फॉर ए बी सी क्रेडिट अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट नॉट अलाउड. अब यहां पे करेक्शन कर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स लिखा है, यहां पे आप कर लीजिए अदर्स. अदर्स बोले तो ट्रांसपोर्टेशन पर्सन को छोड़कर क्रेडिट इज अलाउड. अब बात करते हैं ये एबीसी है क्या. जब ट्रांसपोर्टेशन पर्सन है, सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, तो भी तीन केस में क्रेडिट अलाउड है. वो तीन केस कौन से? नंबर वन, यू हैव परचेज सच मोटर व्हीकल फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. मैंने गाड़ी खरीदी गाड़ी आगे बेचने के लिए. कम ऑन, मैंने गाड़ी खरीदी गाड़ी आगे बेचने के लिए. वन मोर टाइम, मैंने गाड़ी खरीदी गाड़ी आगे बेचने के लिए, क्रेडिट अलाउड. मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स. आप सर एक कंपनी है जो सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए गाड़ियां किराए पे देती है, राइट? तो आपने गाड़ियां खरीदी ताकि अपन गाड़ियों को आगे किराए पे दे पाए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए, क्रेडिट अलाउड. और सर आपका ड्राइविंग स्कूल है, आपने सर ड्राइविंग के स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए, ड्राइविंग सिखाने के लिए, ड्राइविंग की ट्रेनिंग करने के लिए आपने मोटर व्हीकल खरीदी है. ये वो तीन केस हैं जिसमें सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम भी है, ट्रांसफर ऑफ पर्सन भी है, तब भी क्रेडिट जो है वो क्या हो जाएगा? अलाउड. यो 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 गाइस, तो फर्स्ट क्लॉज ए वाला क्लॉज हमारा कंप्लीट होता है. अब चलते सर बी वाले क्लॉज पे और देखते हैं क्या लिखा उन्होंने बी में. क्या किया इन्होंने? वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट वेन दे आर यूज फॉर वन एंड टू. और यहां पर स्पेसिफिक लिखा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. याद रखिएगा ऊपर था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन को छोड़कर कुछ भी करो, गुड्स मेंशन नहीं किया, कैश वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. नीचे क्या लिखा? वेसल एंड एयरक्राफ्ट एक्सेप्ट फॉर वन एंड टू. वन में पर्सन, टू में गुड्स. पर्सन के सिर्फ तीन, पर्सन के सिर्फ मेजरली चार एक्सेप्शन, और गुड्स में हर तरह के. तो मैंने वेसल खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, नो क्वेश्चन आज, क्रेडिट अलाउड. मैंने वेसल खरीदा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्सन, आई नीड टू चेक क्या मैं एबीसीडी में फॉल करता हूं. अगर हाँ, अगर हाँ तो क्रेडिट अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट नॉट अलाउड. फॉर एग्जाम्पल सर, इसमें भी सेम वही बातें हैं. वेसल एयरक्राफ्ट लिया आगे वेसल और एयरक्राफ्ट सप्लाई करने के लिए, वेसल एयरक्राफ्ट लिया आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स के लिए किराए पे देने के लिए, वेसल एयरक्राफ्ट लिया और सर मैं उससे वेसल एयरक्राफ्ट सिखाने का, ड्राइविंग करने का, नेविगेट करने का, फ्लाई करने की ट्रेनिंग देना चाहता हूं, तो भी सर क्रेडिट जो वो क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा. ओके, आइए फिर से देखते हैं सर. तो ए हमारा कंप्लीट होता है. वेसल एयरक्राफ्ट के बारे में मैं यही बोलूंगा, वेसल एंड एयरक्राफ्ट आपने चेक करना है गुड्स के लिए या पर्सन के लिए. गुड्स के लिए सर हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट अलाउड. पर्सन की जब बात आएगी हम लोग चेक करेंगे सर क्या स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो अलाउड, अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए सर क्या हो जाएगा? नॉट अलाउड. जो स्पेसिफाइड पर्पस वही है सर, आगे सप्लाई के लिए, ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर के लिए, ट्रेनिंग और फ्लाइंग, ट्रेनिंग नेविगेटिंग और फ्लाइंग सिखाने के लिए. ओके, सो ए कंप्लीट, ए ए कंप्लीट. ए बी की बात कर लेते हैं सर, इंटरेस्टिंग है. कौन सी सर्विसेज हैं? जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन सो फार एज द रिलेट टू मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट, रेफर टू इन ए और ए ए. सिंपली स्पीकिंग, अगर ए और ए ए में, अगर ए और ए ए में आपका मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट फॉल करता है और उसकी वजह से क्रेडिट नहीं मिलता, तो उस मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के ऊपर जो आपने जनरल इंश्योरेंस लिया है, सर्विस लिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिया है, आपको उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो मिस्टर ए परचेज्ड अ बीएमडब्ल्यू कार और कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस टू होम. नाउ मिस्टर ए विल नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द बीएमडब्ल्यू कार, नीदर मिस्टर ए विल गेट द क्रेडिट ऑफ द जीएसटी पेड ऑन द इंश्योरेंस ऑफ दैट बीएमडब्ल्यू, ऑन रिपेयर ऑफ दैट बीएमडब्ल्यू, ऑन सर्विसिंग ऑफ दैट बीएमडब्ल्यू. व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर बीएमडब्ल्यू वॉज फॉलिंग अंडर द क्लॉज ए, राइट? आइए लीजिए. प्रोवाइडेड दैट, अब एक्सेप्शन, provided that the ITC in respect of such services shall be available when motor vehicle or vessel or aircraft refer to in A or A, अगर specified purpose के लिए use हो रहे हैं तो सर जी आपको credit मिल जाएगा. कैसे? इधर देखिए, company ने एक bus खरीदी थी employees को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ले जाने के लिए. company ने bus खरीदी, credit, yes. Why? 13 से ज़्यादा transportation of passenger, आइए सर 13 से ज़्यादा transportation passenger, credit allowed. अब सर company उस bus की service कराती है, service पे GST allowed. कंपनी ने उस बस का इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस पे जीएसटी अलाउड. कंपनी ने उस बस की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जीएसटी अलाउड. क्योंकि बस का क्रेडिट अलाउड था इसलिए सर उसके साथ साथ आपका इंश्योरेंस, सर्विस और रिपेयर मेंटेनेंस क्रेडिट भी अलाउड है. अगर सर बस का ही क्रेडिट नहीं मिलता तो सर आपको इंश्योरेंस, रिपेयर मेंटेनेंस और आपकी सर्विस का क्रेडिट भी नहीं मिलता, राइट? एंड सेकेंड एक्सेप्शन, वेयर रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट. क्या कहना चाहते हैं? इधर देखिए, इसको ऐसे समझिएगा, मैं यहीं पे जैसे शीट इंसर्ट करके समझाने की कोशिश करता हूँ. तो ये है सर टाटा मोटर्स, ध्यान से देखिएगा, टाटा मोटर्स. और ये है सर टाटा की एक और कंपनी TCS. टाटा मोटर्स ने जो गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग करी है उन गाड़ियों के लिए
इंश्योरेंस की सर्विस ली या सर्विस की सर्विस ली, सर्विस की सर्विस कैसे हो सकती है, उन गाड़ियों की सर्विस किसी और से कराई या रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली उन गाड़ियों की जो गाड़ियां खुद टाटा मोटर्स ने मैन्युफैक्चर करी हैं। अब सर इन जब ये सर्विसेज ली तो इन पे जीएसटी लगा, क्या टाटा मोटर्स को इसका क्रेडिट मिल जाएगा? आंसर इज यस। लेकिन टीसीएस ने भी मान लेते अपने चेयरमैन साहब के लिए एक गाड़ी खरीदी थी, कहीं से भी खरीदी हो सर, भूल जाइए टीसीएस से, समझ लो कोई और है, टीसीएस से आप कंफ्यूज हो रहे हो ना कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, कोई और है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है। उसने सर गाड़ी खरीदी, वो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर नहीं है, उसने गाड़ी खरीदी, गाड़ी जब खरीदी क्रेडिट नहीं मिलेगा, गाड़ी के जब इंश्योरेंस कराएंगे, सर्विस कराएंगे, रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो गाड़ियों के तो सर आपको इन सर्विसेज का क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल और देखिए जो एक्सेप्शन में आने वाला है। ये कंपनी है जो जनरल इंश्योरेंस करती है, इसने सर बहुत सारी गाड़ियों के जनरल इंश्योरेंस करे हैं और इसने जनरल इंश्योरेंस करने के लिए भी आगे कोई जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज ली हैं। ऐसा बहुत बार होता है, इसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। एक बार सर्च करके देखिएगा, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस, इसने इंश्योरेंस किया, इसने इंश्योरेंस का इंश्योरेंस किया। तो जनरल इंश्योरेंस ने जब ये री इंश्योरेंस की सर्विसेज ली उस पर जीएसटी लगेगा, आंसर इज येस, और सर इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। यानी कि जनरली स्पीकिंग इंश्योरेंस का क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर सर जी आप इंश्योरेंस की सर्विस ले रहे हैं आगे इंश्योरेंस करने के लिए तो आपको क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखी ये बात यहाँ पे, आई बढ़ते हैं। तो वेयर रिसीव बाय टैक्सेबल पर्सन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सच मोटर व्हीकल, टाटा मोटर्स का केस हो गया या आप कोई भी मोटर कंपनी का केस लगा सकते हैं, और पर्सन एंगेज इन द जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम, राइट। तो जनरल इंश्योरेंस वाला व्यक्ति रिपेयर की सर्विस की, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस ले रहा है मोटर व्हीकल्स रिलेटेड, तो उसको तो क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। मोटर मैन्युफैक्चर वाला, कार मैन्युफैक्चर वाला जो है जनरल इंश्योरेंस या फिर आपका जो बाकी जो सर्विसेज थी, सर्विस या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ले रहा है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन सर बात करता हूँ मैं सर एक नॉर्मल व्यक्ति की, यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने गाड़ी खरीदी सर, अभी गाड़ी पे जीएसटी पेड, नो क्रेडिट, गाड़ी की सर्विस कराई उस पर जीएसटी पेड, नो क्रेडिट, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया उस पर जीएसटी पेड, नो क्रेडिट, गाड़ी की रिपेयर मेंटेनेंस कराई उस पर जीएसटी पेड, नो क्रेडिट। लेकिन अगर मैं कार मैन्युफैक्चरर होता मुझे इन सब का क्रेडिट मिल जाता, वही उन्हीं गाड़ियों के रिस्पेक्ट में जो गाड़ियाँ मैंने मैन्युफैक्चर करी हैं। लीजिए सर, तो हमारी एक अमेंडमेंट और कंप्लीट होती है। अब चलते हैं सर हमारे अगले पॉइंट पे, वो है बी, राइट। बस ये लास्ट है, ए हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है, ए मोटर व्हीकल, ए वेसल एयरक्राफ्ट, ए बी इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और अब हम कहाँ चलने वाले हैं बच्चों, बी पे, और बी में भी सर कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट आई हैं। सो अमेंडमेंट क्या है, फूड बेवरेज, ये आपको पहले से था, एफ ओ बी एच सी मैं ऐसी पढ़ाई करता था, फूड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट रेफर टू इन ए और ए अबव, ए और ए अबव एक्सेप्ट व्हेन यूज्ड फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड देयरिन। इसका मतलब समझे आप, वही बात, मोटर व्हीकल लिया है अदर देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अगर खरीदा था तो उस पर जो जीएसटी पेड था अलाउड, अगर रेंट पे लिया है तो रेंट पे जो जीएसटी पे करेंगे वो अलाउड। लेकिन मोटर व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए है, ध्यान से, मोटर व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, सिटिंग कैपेसिटी 13 से कम है, खरीदते तो क्रेडिट नहीं मिलता, रेंट पे ले रहे हो तो सर रेंट पे जो जीएसटी होगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं जी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या बोला गया, सिमिलर सर्विस और एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोजिट सर्विस, मतलब समझिए, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, इनका क्रेडिट अलाउड नहीं है, ओके। लेकिन क्या हुआ, फिर से इसके लिए एक शीट डालते हैं जल्दी से, ये है ए, ये है बी, ये है सी, सी के ऑफिस में पार्टी थी, इसने आउटडोर केटरिंग की सर्विस ए से ली, ए ने वो सर्विस जो है बी से ली, यानी ए ने बेसिकली काम को आउटसोर्स कर दिया। अब ए सी से बिल चार्ज करेगा, उसमें जीएसटी भी होगा, लेकिन सी इस जीएसटी का क्रेडिट नहीं लेगा क्योंकि सर ये 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट में आता है। ए बी जो है ए से जीएसटी चार्ज करेगा, ए जो है सर इस जीएसटी का क्रेडिट ले लेगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है उसकी। एक्सेप्शन में कैसे आ रहा है, क्योंकि सर आप स्पेसिफाइड सर्विस देने के लिए, आप आउटडोर केटरिंग की सर्विस यूज़ कर रहे हैं, आउटडोर केटरिंग की सर्विस देने के लिए, तो सर ये एक्सेप्शन में फॉल करता है और यहाँ पे इस आउटडोर केटरर को जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा जो उसने दूसरे आउटडोर केटरर को दिया है। ओके, आइए, ओके, पढ़ते हैं सर इसको वापस से, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, प्रोवाइडेड दैट द आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर एन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विस बोथ इज यूज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडरलाइन फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर आपने आगे सप्लाई करने के लिए ये जो सर्विसेज ली हैं जो यहाँ पे फर्स्ट
पॉइंट में लिखी हैं तो सर आपको क्रेडिट मिल जाएगा. और एज एन एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, और एज एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई. देखिए, मैंने बाहर से कुछ ड्रिंक्स खरीदी, मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने सर उन ड्रिंक्स को अपने रेस्टोरेंट में जो फूड बनता है उनके साथ मैं एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई करके बेच रहा हूँ. अभी इस पे नहीं जाते कि सर रेस्टोरेंट वाले को क्रेडिट कितना मिलता है, उस पर टैक्स रेट क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको. राइट, मैंने ड्रिंक्स खरीदी, मैंने सर ड्रिंक्स को एज इट इज़ नहीं बेचा, मैंने ड्रिंक्स को सर एक कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट बना के बेचा, जो कि मेरी मान लेते रेस्टोरेंट था या फिर मिक्स सप्लाई का पार्ट बना के मैंने बेचा. तो यहाँ पे भी मुझे ड्रिंक्स पे वैसे क्रेडिट अलाउड नहीं है. ड्रिंक्स मैं ऑब्वियसली हार्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा क्योंकि उस पर तो जीएसटी नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ. तो सॉफ्ट ड्रिंक पे सर क्रेडिट अलाउड नहीं है. क्यों? फूड एंड बेवरेज में आ गया. लेकिन क्योंकि मैं सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ कर रहा हूँ फॉर ईदर, मैं सॉफ्ट ड्रिंक लेके आगे सॉफ्ट ड्रिंक ही बेच दूँ, और सर मैं सॉफ्ट ड्रिंक को लेके आगे सॉफ्ट ड्रिंक को एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई बेच रहा हूँ, इसलिए मुझे क्रेडिट मिल जाएगा. देन यहाँ पे सर मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक रहेगा हमेशा. ट्रैवल बेनिफिट सर अगर एक्सटेंड किए एम्प्लॉयज़ को ब्लॉक क्रेडिट ब्लॉक रहेगा हमेशा. एक अमेंडमेंट सर यहाँ पे आई है खास, ये जो अमेंडमेंट है देखिए इसको ध्यान समझिएगा. यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रखी है. अगर आपने मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई करी है तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई लॉ में सेक्शन सबसेक्शन प्रोविजो एक्सप्लेनेशन ये सब आते हैं. प्रोविजो या तो कंडीशन बताते हैं या तो एक्सेप्शन बताते हैं. इस प्रोवाइडेड दैट ने आपको इसकी एक्सेप्शन बताई थी कि कब फूड बेवरेज आउटडोर केटरिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट हेल्थ सर्विस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल एटसेट्रा का क्रेडिट आपको मिल जाएगा. राइट, क्योंकि ये क्लॉज तो सीधा बोलता था कि क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड डेट ने बताया क्रेडिट मिल जाएगा. अब आ गए सर इस पे प्रोवाइडेड डेट पे. ये प्रोवाइडेड डेट आप देखेंगे तो आपके क्लॉज बी के तीनों सब क्लॉज के नीचे लिखा हुआ है, और ये प्रोवाइडेड डेट जो एक्सेप्शन बताएगा, ध्यान से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये इन तीनों पे एप्लीकेबल होने वाली है. इस प्रोवाइडेड डेट की एक्सेप्शन इन तीनों पे तीनों के ऊपर एप्लीकेबल होने वाली है. क्या है इस प्रोवाइडेड डेट की एक्सेप्शन? प्रोवाइडेड दैट द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड और सर्विस बोथ शैल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लीगेटरी, अंडरलाइन करें, ऑब्लीगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. यहाँ पे सर बड़ी अच्छी खास बात है. गवर्नमेंट ने बोला, लॉ मेकर ने बोला कि अगर आप ऊपर से कोई भी सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हो, ऊपर लिखी हुई कोई भी सर्विस जो जनरली जिनका क्रेडिट ब्लॉक था, आप अगर वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो टू मीट दी स्टैचुटरी कंप्लाइंस टू मीट दी ऑब्लीगेशन अंडर अ पर्टिकुलर लॉ, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और ये बात सबके लिए एप्लीकेबल है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप को लेके कोई लॉ आ जाए कि सर इतनी बड़ी कंपनी अगर इसका इतना टर्नओवर है, या फिर कोई इस तरह की कंपनी, इस नेचर की कंपनी जिसका काम इस तरह का, जिसमें हेल्थ हैजार्ड ज़्यादा हैं, उनको हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप लेके देना मैंडेटरी अंडर अ लॉ, और अब एम्प्लॉयर सर वो मेंबरशिप लेके देता है, तो उस पर जो क्रेडिट होगा वो अलाउड होगा. क्यों? बिकॉज इट इज़ देयर, बिकॉज वी आर गिविंग सच मेंबरशिप टू कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग लॉज. और कोई भी फैसिलिटी इसमें से जो 1, 2, 3 में लिखी है एम्प्लॉयर को देनी पड़ती है बिकॉज ऑफ अ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, तो वो सर क्या होने वाला है? अलाउड होने वाला है, उसका क्रेडिट अलाउड होने वाला है. लीजिए सर, 18 मिनट लगाए सर हमने इसमें. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट सर ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है. ICAI ने जो अपनी स्टैचुटरी अपडेट निकाली थी उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थी. आप आंख बंद करके कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 4th पकड़ लिया, ITC ऑन कार परचेज बाय कार ड्राइविंग स्कूल इज अलाउड बाय मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13 लेकिन फॉलिंग इन एक्सेप्शन. बाय सर, मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हैं ड्राइविंग स्कूल के लिए. ओके, कोई भी रैंडमली सर आप एक एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे इसमें से ITC ऑन एयरक्राफ्ट परचेज बाय एविएशन स्कूल, सेम बात हो गई. आपको हवाई जहाज उड़ाना सिखाना है, उसकी ट्रेनिंग देनी है, तो सर जी क्रेडिट अलाउड होगा. ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, ITC एयरक्राफ्ट परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ इट्स CEO इज ब्लॉक्ड. देन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन अ कार यूज बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ऑफिशियल पर्पस इज व्हाट? ब्लॉक्ड. तो ठीक बात है सर, मैंने आपको क्या बोला, मेरी सर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने सर एक गाड़ी ली, पहले तो गाड़ी का क्रेडिट ब्लॉक, फिर सर उस गाड़ी की सर्विस कराई, इंश्योरेंस कराया, रिपेयर कराया, सर उसका भी क्रेडिट ब्लॉक. लेकिन सर यही काम मैं करता अगर सर मेरा गाड़ी बनाने का ही बिजनेस होता तो मुझे अलाउड हो जाता. ओके, ITC ऑन मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस अवेल बाय कंपनी फॉर अ ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रेंच गुड इज अलाउड. वाई? क्योंकि ट्रक अलाउड था, तो उससे रिलेटेड जो खर्चा है सर उस पर भी GST जो है वो अलाउड होगा. ITC ऑन आउटडोर केटरिंग सर्विस अवेल्ड बाय कंपनी फॉर अ टीम डेवलपमेंट इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर एम्प्लॉयर्स ब्लॉक्ड. लेकिन याद रखिए, जिसने आउटडोर केटरिंग सर्विस दी अगर उसने भी आउटसोर्स करके आउटडोर केटरिंग सर्विस ली होती तो भाई क्या हो जाता? क्रेडिट अलाउड हो जाता. मैंने बीच बीच में से कुछ एग्जांपल्स आपको उठा दिए हैं. आई थिंक सर ये आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो भाई एक बार वहाँ बैठे बैठे मुझे धन्यवाद, थैंक यू,
दिल से बोल दीजिएगा। राइट गाइज, ITC की सर अब कोई बहुत ज़्यादा खास अमेंडमेंट्स बची नहीं है, जो भी सर एक आधी अमेंडमेंट और बची होगी मैं अपलोड कर दूंगा। अमेंडमेंट सर मान के चले हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी हैं, जितनी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी वो कंप्लीट है। बाकी सर रिविजन वीडियोज आप देख सकते हैं और अमेंडमेंट वीडियोज की दोनों की प्लेलिस्ट मैं आपको बना के दे रहा हूँ, वो सर यहीं पर आपको आई बटन में दिख जाएंगी, आप सर उन्हें देखिए और अपने रिवीजन और अमेंडमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।